नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योर बकेट लिस्ट चैनल पर। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, हम वर्ल्ड टूर कर रहे हैं और अलग अलग कंट्रीज के अंदर आपके लिए बेस्ट प्लेसेस निकाल रहे हैं जो आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होने चाहिए। तो आज हम हैं मॉस्को रशिया में और हम आए हैं वेदांग पार्क। तो आइए जाने इस पार्क का नाम वेदांग क्यों है। वेदांग का रशियन का मतलब ये है एग्जिबिट्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। पार्क को 1939 में इनॉग्रेट किया गया था सोवियत यूनियन की इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स को शोकेस करने के लिए। ये खूबसूरत आर्क वेदांग पार्क की मेन एंट्रेंस है और इस आर्क का नाम है फ्रेंडशिप ऑफ पीपल आर्क। इस आर्क के ऊपर एक्स सोवियत यूनियन के कल्चर और लोगों के रिलेशनशिप डिपिक्ट किए गए हैं। सोवियत यूनियन के काफी कंट्रीज के पवेलियन देखे जा सकते हैं और ये वाला है रशिया का पवेलियन। आज सुबह से वेदर काफी खराब रहा, बहुत बारिश हुई। सुबह सुबह हम जल्दी जरूर पहुंच गए थे, बढ़िया हालात नहीं थे चलने लायक, तो हम म्यूजियम में चले गए। तो आप उसकी वीडियो जरूर चेकआउट करना, मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। बहुत सारे फाउंटेन है बट ये फाउंटेन सबसे खूबसूरत है। इस फाउंटेन का नाम है फ्रेंडशिप ऑफ नेशन फाउंटेन। इस फाउंटेन के अंदर 13 महिलाएं सोवियत यूनियन की अलग अलग कंट्रीज की स्पेसिफिक ड्रेस पहन के और उनकी क्रॉप लेके डिपेक्ट कर रही है अपने कल्चर को। इस पार्क के अंदर एक सोवियत यूनियन के सारी कंट्रीज के पवेलियन हैं, जिनमें उनके मिनी म्यूजियम हैं। 6 बज रहे हैं और हम इस पार्क के अंदर थोड़ा लेट आए हैं, इससे सारे पवेलियन अभी बंद हो गए हैं, नहीं तो मैं आपको उनकी वीडियो जरूर दिखाती हूँ। उज़्बेकिस्तान, अर्मेनिया, रूसिया, बेलारूस, रोबोटिक पवेलियन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान। दोस्तों, अगर आपको इतने बड़े 200 हेक्टेयर के पार्क के अंदर मेरी तरह भूख लगाई है तो आप इस जगह पे आइए, कैफेटेरिया का आनंद लीजिए, अलग अलग क्यूजीन ट्राई करिए। स्टोन फाउंटेन इस पार्क के अंदर ये दूसरा सबसे बड़ा फाउंटेन है।
इस फाउंटेन के अंदर कितनी खूबसूरती से स्टोन्स लगा के इसको ब्यूटीफाई किया हुआ है। हमारी ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू ऐड वेदांत पार्क टू योर बकेट लिस्ट। आल्सो वेदांत पार्क के अंदर दो मेन पवेलियन है, एक है कॉस्मोनॉटिक्स म्यूजियम। इसके लिए एक छोटा सा टीजर मैं इसके अंदर जरूर डाल रही हूँ, बट आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी जरूर पड़ेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ये गया। और दूसरा है मॉस्क्वेरियम जो यूरोप का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, तो आप ये दो पवेलियन बिल्कुल नहीं मिस कर सकते। वेदांत पार्क आइए, टाइम लगा के अपनी फैमिली के साथ में चिल करिए। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था हमारी मॉस्को सीरीज का पार्ट 3, और पार्ट 4 साइंस एंथुजियास्ट के लिए एक पैराडाइज है, तो आप पार्ट 4 बिल्कुल मिस ना करें। तो वो अर्थ पे लाइव वापस भी आए थे, वो इसी में बैठ के आए थे। ये उनका डिसेंट व्हीकल था, एस्ट्रोनॉट स्पेस में बोर ना हो तो गेम्स भी अपने साथ लेके जाते हैं।